हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर से डायगोनल रिलेशनशिप विकर्ण संबंध पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आवर्त सारणी में कुल आवर्त 7 होते हैं और समूह 18 होते हैं। तो आवर्त 2 और आवर्त 3 के कुछ हल्के तत्व आपस में विकर्णी अभिमुख डायगोनल अपोजिट होते हैं, क्योंकि इन तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, इसलिए इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध का जो कारण है, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं और आयनी त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग समान होती है और इनकी ध्रुवण क्षमताएं पोलराइजिंग पावर समान होता है, आयनिक विभव समान होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध रखते हैं। विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप, हिंदी में द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 हल्के तत्व लिथियम बेरिलियम बोरान और तृतीय आवर्त के विकर्णी अभिमुख डायगोनली अपोजिट हल्के तत्व मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन के गुणों में समानता पाई जाती है। विकर्णी अभिमुख तत्वों के गुणों के बीच इस समानता को विकर्ण संबंध कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 हल्के तत्व, जिसमें लिथियम बेरिलियम बोरान और तृतीय आवर्त के विकर्णी अभिमुख डायगोनली अपोजिट हल्के तत्व मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन के गुणों में समानता पाई जाती है। विकर्णी अभिमुख तत्वों के गुणों के बीच इस समानता को विकर्ण संबंध कहते हैं। इंग्लिश में The first three elements of second period having low atomic number shows similarities with the elements of third period lying diagonally opposite to them, that is called diagonal relationship. Group first A, second A, third A, fourth A, fifth A, seventh, sixth A, seventh A, zero, जिसे 18 कहते हैं, seventh A को 17 कहते हैं, sixth A को 16 कहते हैं, fifth A को 15 कहते हैं, fourth A को 14 कहते हैं, थर्ड ए को 13 कहते हैं, सेकेंड ए को 2, फर्स्ट ए को 1। पीरियड 2 जिसमें लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान। थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। प्रथम 3 हल्के तत्व Li और सेकेंड पीरियड के हल्के तत्व मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन। तो लिथियम जो है डायगोनल या डायगोनली अपोजिट है मैग्नीशियम के, बेरिलियम डायगोनली अपोजिट है एल्युमिनियम के, इसी प्रकार बोरान जो है सिलिकॉन के डायगोनली अपोजिट है।
इन तत्वों में जो है इनके जो गुण हैं वो समान होते हैं, इसलिए एक दूसरे के विकर्णीय अभिमुख होते हैं, इसलिए इन्हें विकर्ण संबंध कहते हैं। इस प्रकार डायगोनल रिलेशनशिप पेयर विकर्ण संबंध युग्म तो कितने होते हैं? तीन होते हैं, लिथियम मैग्नीशियम सेकेंड, बेरिलियम एल्युमिनियम और थर्ड बोरान सिलिकॉन। तो विकर्ण संबंध युग्म जो है तीन होते हैं, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरान और सिलिकॉन के साथ। तो ध्यान से इसे देख लीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप एराइजेज ड्यू टू, डायगोनल रिलेशनशिप का जो रीजन है ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आर रेडियाई। एग्जांपल लिथियम आयन 76 पिकोमीटर, मैग्नीशियम आयन 72 पिकोमीटर, लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लगभग विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। लिथियम ईयन 1, मैग्नीशियम विद्युत ऋणात्मकता 1.2, लगभग समान है। सिमिलर पोलराइजिंग पावर ऑफ आयंस, धुवर क्षमता, धुवर क्षमता, पोलराइजिंग पावर को क्या कहते हैं? धुवर क्षमता, इनकी समान होती है। आयनिक विभव और आयनन विभव दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आयनिक विभव है। आयनिक विभव को डिफाइन किया जाता है आयनिक पोटेंशियल फाई इज्क्वल टू आयनिक चार्ज अपॉन आयनिक रेडियस का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के द्वारा आयनिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है, आयनिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर। आयनिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर, आयनिक विभव बढ़ने के साथ साथ धुवर क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, उसके तीन कारक हैं, समान लगभग समान परमाणुविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता, तीसरा फैक्टर समान धुवर क्षमता या आयनिक विभव। आयनिक विभव और आयनन विभव दोनों अलग अलग हैं, आयनिक विभव फाई से इंडिकेट किया जाता है, आयनिक चार्ज अपान आयनिक रेडियस का स्क्वायर। इससे इस फार्मूले के द्वारा आयनिक पोटेंशियल निकाला जाता है। आयनिक पोटेंशियल अधिक होने के साथ साथ आयनों का उसकी धुवर क्षमता बढ़ती जाती है। इन तीनों कारकों में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तीनों कारक सही हैं, तीनों कारक काम
कार्य करते हैं एक समान डायगोनल रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उसमें मुख्य कारक जो है समान पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल। कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था PGT 2004 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। विकर्ण संबंध युग्म तीन होते हैं, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्युमिनियम, बोरान और सिलिकॉन। तो लिथियम और मैग्नीशियम के केस में पूछा गया है, ऑप्शन दिया हुआ है सिमिलर रेडियाई, सिमिलर रेडियस या साइज, सेम आयनिक पोटेंशियल, सी रेशियो बिटवीन चार्ज एंड रेडियस रिमेंस सेम, डी ऑप्शन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें सिमिलर रेडियस भी दिया हुआ है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है और सेम आयनिक पोटेंशियल दिया हुआ है। सी ऑप्शन रेशियो बिटवीन चार्ज एंड रेडियस रिमेंस सेम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तीनों ऑप्शन ए बी और डी ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें मुख्य जो ऑप्शन है सेम आयनिक पोटेंशियल, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा सेम पोलराइजिंग पावर ऑफ आयंस का या आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यदि क्वेश्चंस में तीनों कारक दिए गए हों, तीनों फैक्टर दिए गए हों, तो आयनिक पोटेंशियल जो फैक्टर है वो प्रभावी कारक होगा, तो वह ऑप्शन जो है सेम आयनिक पोटेंशियल वाला करेक्ट होगा। यदि ए बी और सी में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया होता और डी ऑप्शन दिया होता ऑल ऑफ दी अबव, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता। इसे ध्यान से देख लीजिए डायगोनल रिलेशनशिप। उम्मीद करता हूँ कि डायगोनल रिलेशनशिप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।